नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। हाथी सर्चिंग के दौरान वन विभाग कापू की टीम ने गांव में देखा विशालकाय अजगर। टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित तरीके से छोड़ा जंगल में। असलम खान, धर्मचयगढ़, कापू। न्यूज वन आमला टापू द्वारा 11 अक्टूबर शाम को हाथी सर्चिंग के दौरान गांव के पास एक विशालकाय अजगर दिखा, जिसने टीम द्वारा वन जीव के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सुरक्षित तरीके से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इस संबंध में मीडिया से अधिक जानकारी साझा करते हुए कापू वन परिक्षेत्र अधिकारी AS किंडो ने बताया कि 11 अक्टूबर को हाथी सर्चिंग के दौरान संगुल टिकरा ग्राम तलगांव में बावन आरएफ के समीप समय लगभग 7:05 PM को वन विभाग की टीम को अचानक एक विशालकाय अजगर दिखा, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से परिक्षेत्र अधिकारी कापू के कुशल निर्देशन में सेफ्टी तरीके से रेस्क्यू कर एक बोरी में भरकर जंगल में छोड़ा गया। रेस्क्यू टीम में अमृत लकड़ा, BFO कुमरता, आकाश साहू, BFO लिप्ति संतोष यादव, BFO अलोला पारसनाथ, हाथी ट्रैकर अलोला परिक्षेत्र आदि शामिल थे। रेंज ऑफिस ने बताया कि वन मंडल अधिकारी श्री अभिषेक जोगावत और वन विभाग के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कापू वन आमला वन प्राणियों की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है और लगातार इस दिशा में बेहतर कार्य करने प्रयासरत है, ताकि वन प्राणी और मानव के बीच संघर्ष की स्थिति को कम किया जा सके और लोगों को किसी प्रकार से जान माल की हानि न हो।